विच ऑफ़ दुड ऑल्सो एग्जर्ट अर पी एट देशम टेम्परेचर अच्छा सेम टेम्परेचर पर ही आपने बताना है कि ये कौन से ऑप्शन जो है ए बी सी डी इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सेम प्रट करेगा क्या सेम प्रशर कि जो प्रेशर हाइड्रोजन गैस एग्जर्ट कर रही थी वही प्रेशर नीचे चार ऑप्शन में से कौन एग्जर्ट करेगा तो अब देखिए यहाँ पर आपको एक रिलेशन जो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आइडियल गैस इक्विजन उसको यूज़ करना पड़ेगा अच्छा इस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के अंदर हमारे पास पी इज द प्रेशर, वी इज़ वॉल्यूम ऑफ गैस एन इज़ द नंबर ऑफ मोल्स तो नंबर ऑफ मोल्स को हम मज़ीद ओपन करते हैं मैस इन ग्राम ओवर एम आर पी वी इज इक्वल टू एन क्या है मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाई एम आर और आर टी अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ अगर पुट करें पी इज इक्वल टू मैस ऑफ हाइड्रोजन कितना है टू और इसका एम हाइड्रोजन गैस का मोलिकुल मैस भी टू होता है और आर टी तो ये टू और टू डि करें तो वन आ जाएगा और इसको आप खत्म कर देंगे यहाँ से आपके आपके पास जो इक्वेशन बनी है पी इज इक्वल टू आर टी डिड बाई वी ये जी प्रेशर इस हाइड्रोजन गैस का प्रेशर ये है कि आर टी ओवर वी की इक्वल है ठीक है आपने अब ये देखना है कि ये जो आ, प्रेशर का फॉर्मूला बन रहा है इन चारों ऑप्शन में से किसके पास बन रहा है ठीक है तो मैं डायरेक्ट आंसर पर आता हूँ अगर हम सी को देखते हैं जी सी को या चले पहले हम एक आ, ए ए ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि ए ऑप्शन वो कह रहा है कि टू ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम ऑफ वॉल्यूम वी अच्छा जो ड्यूटेरियम है दिस इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन ये जी इसका मैस एक ड्यूटेरियम का मैस होता है टू ठीक है और ये ड्यूटेरियम भी एच टू की फॉर्म में होगा तो इसका जो मॉलिकुलर मैस हो जाएगा वो फोर हो जाएगा तो अब ज़रा हम इसका यहाँ पर आ, प्रेशर निकालते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी ठीक है ये ऑप्शन के लिए निकाल लें तो पी वी इज इक्वल टू एन एन इज द नंबर ऑफ मोल्स तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जो है मैस इन ग्राम ओवर एम कितना मैस है जी इसका ड्यूटेरियम का टू ग्राम और फार्मूला मैस या मॉलिकुलर मैस ऑफ ड्यूटेरियम क्योंकि टू की फॉर्म में होगा और एक हाइड्रोजन का ए, एक ड्यूटेरियम का मैस टू है तो दो का कितना हो जाएगा फोर और आर टी तो ये आपके पास जो यहाँ पर अब रिलेशन बनेगा पी इज इक्वल टू टू से आपने फोर को डिवाइड किया तो जीरो पॉइंट फाइव आर टी और बी तो आप ये देखिए ये आपका वो रिलेशन नहीं बन रहा ये आना चाहिए था ना आपके पास तो ये तो नहीं बन रहा तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग अच्छा अब अगर मैं इस तरह करता हूँ कि ऑप्शन बी को आप कर लें चले या हम पहले ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर है उसको देख लेते हैं अ मिक्सचर ऑफ वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड टू ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम ऑफ टोटल वॉल्यूम बी ठीक है जी तो यहाँ पर आप वही फार्मूला यूज करेंगे पी वी इज इक्वल टू पर एक प्रॉब्लम छोटा सा ये है यहाँ पर दो डिफरेंट गैसेज उसने ली हुई हैं वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और टू ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम तो ये कोई मसला नहीं है आप वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के मोल निकालें टू ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम के मोल निकालें और उन दोनों को ऐड कर दें और यहाँ एन की जगह लगा देंगे कैसे निकालेंगे जी वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के मोल निकालने हैं तो मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम वन ग्राम हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय फार्मूला मैस हाइड्रोजन का टू होता है तो ये आपके पास आ जाएंगे जीरो पॉइंट फाइव इसी तरह आपने मोल्स ड्यूटेरियम के मोल निकालने तो मोल्स ऑफ ड्यूटेरियम इज इक्वल तो ये टोटल तो मोल कितने और, तो और यहाँ से प्रेशर का जो एक्सप्रेशन बनेगा आर टी और वी तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है ऑप्शन सी इस फॉर्मूले से बिल्कुल मैच कर रहा है मतलब दोनों का प्रेशर का एक्सप्रेशन सेम है इसलिए ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आप बाकी ऑप्शंस बी डालकर देखिएगा बी और डी वो आपको रॉन्ग मिलेंगे